दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब काफ़ी कम समय रह गया है और आईपीएल का मिनी ऑक्शन भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें आईपीएल के मिनी ऑक्शन से होने वाली ट्रेड विंडो की, तो यहां ट्रेड विंडो अब आपको बहुत कम समय का टाइम रह गया है जब ट्रेड विंडो क्लोज होती हुई आपको दिख जाएगी। और अभी बहुत ही कम ट्रेड्स यहां आपको देखने को मिली है, जो कि बेंगलोर और दिल्ली के अंदर हुई थी, इसके बाद राजस्थान और चेन्नई के अंदर हुई थी। तो यहां दोस्तों एक बार फिर से बीसीसीआई की तरफ से जो ट्रेड विंडो बढ़ाई गई थी वो पूरी तरह से फ्लॉप नज़र आ रही है। बट हालांकि दोस्तों अभी भी कुछ दिन बाकी है और ट्रेड जब इन आखिरी दिनों के अंदर आएगी तो और ज़्यादा हाइक पर पहुंच जाएगी। तो यहीं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रेड्स के बारे में जो आपको होने वाले एक वीक के अंदर देखने को मिल जाएंगी, और ये ट्रेड ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है कि ये 100% होने ही होने वाली है। तो कौन से हैं ये प्लेयर्स, कौन सी हैं ये टीमें जिनके अंदर ये ट्रेड होंगे, किस प्राइस पर ट्रेड होंगे, क्या बड़ा रीज़न है इनको ट्रेड करने का, यानी ट्रेड से रिलेटेड ए टू जेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो क्या आप जानना चाहते हो कौन से हैं ये प्लेयर और किस टीम से जाकर किस टीम में ट्रेड होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों आईपीएल साल 2021 के अंदर जो ट्रेड विंडो अभी शुरू की गई है उसके अंदर आपको बहुत कम ट्रेड देखने को मिले हैं, जैसे कि हर्षल पटेल हो गए, डैनियल सैम्स हो गए, रॉबिन उत्पा, दोस्तों गिनी चुनी दो चार ट्रेडें ही हुई है, इसके अलावा ज्यादा ट्रेडें नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पर सभी टीमों ने अपनी रिलीज और रिटेन प्लेयर लिस्ट भी जमा करा दी है। तो काफी लोगों को, काफी फैंस को यह लग रहा होगा कि अब यहां पर ट्रेड पॉसिबल नहीं है, बट दोस्तों जिस भी टीम ने अपने अपने जो रिटेन प्लेयर हैं उनको वो वापस यहां पर ट्रेड कर सकती है। और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट यहां बाहर निकल के आई है और कुछ प्लेयर्स की लिस्ट सामने निकल के आई है कि कौन कौन से प्लेयर अब जो बचे हुए दिन है ट्रेड विंडो के उसके अंदर वो ट्रेड हो सकते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूं। बट आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सी टीम जीतने वाली आईपीएल 2021 का खिताब। इसके अलावा दोस्तों पहले प्लेयर का नाम है टॉम बेंटन। तो यहाँ दोस्तों टॉम बेंटन पिछले साल ही आईपीएल में डेब्यू किया है, केकेआर की टीम में थे, एक दो मैच का ही इनको मौका दिया गया, और टॉम बेंटन ने इस साल ये भी कह दिया था कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे क्योंकि वो जिस भी टीम के अंदर जाएंगे वो बेंच के ऊपर ही बैठे रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था टॉम बेंटन के लिए, क्योंकि टॉम बेंटन एक अच्छे खिलाड़ी है, बट आईपीएल एक बहुत ही अलग स्तर का यहाँ पर टूर्नामेंट है, एक अलग ही लेवल का टूर्नामेंट है जिसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स को भी मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ टॉम बेंटन ने स्पेशली बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है कि जो रूल बीबीएल के अंदर होता है यानी डायरेक्ट ट्रांसफर का, तो उनको वो किया जाए, और इसके हिसाब से डायरेक्ट ट्रांसफर के अंदर जो यहाँ पर टीम है अभी केकेआर के अंदर थे अभी रिलीज़ हो गए हैं और टॉम बेंटन अब जा सकते हैं या दिल्ली कैपिटल्स के अंदर। हालांकि दोस्तों ये एक बहुत ही स्टार्टिंग एज की न्यूज़ है कि दिल्ली कैपिटल्स के अंदर टॉम बेंटन ट्रेड हो सकते हैं। तो खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या टॉम बेंटन आपको साल 2021 के अंदर किसी भी टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। दूसरे प्लेयर का नाम है डेविड मिलर। तो दोस्तों डेविड मिलर बहुत ही अच्छे धमाकेदार विस्फोटक बल्लेबाज हैं, पिछले साल इनको भी मौका नहीं दिया गया, राजस्थान रॉयल्स की टीम में थे और इनको ये मालूम था कि राजस्थान रॉयल की टीम में अगर ये इस साल रहते हैं तो भी इनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इस साल मेगा ऑक्शन होना था, मेगा ऑक्शन नहीं हुआ, मिनी ऑक्शन हुआ। तो यहाँ आरआर के जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं उन सबको उन्होंने रिटेन किया और यहाँ पर आरआर की टीम के पास पहले से ही अपने 4 फॉरेन प्लेयर मौजूद हैं, इसके अलावा बेंच पर भी पहले से ही प्लेयर मौजूद है। तो डेविड मिलर का चांस यहाँ नहीं बनता है, जिसको देखते हुए डेविड मिलर ने पहले ही अपना नाम यहां ट्रेड के अंदर दे दिया है और अब आपको बहुत जल्द डेविड मिलर भी ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तीसरे प्लेयर का नाम है कुलदीप यादव। तो दोस्तों कुलदीप यादव एक शॉकिंग नाम है, क्योंकि यहां पहले न्यूज आ रही थी कि केकेआर इनको रिटेन नहीं करने वाली है, पर फिर भी केकेआर ने रिटेन कर लिया। बट हाल ही के अंदर गौतम गंभीर ने एक बड़ा सवाल केकेआर मैनेजमेंट के ऊपर उठाया है और उन्होंने कहा है कि कुलदीप यादव जो 5.8 करोड़ के बड़े प्राइस मनी के साथ आते हैं, तो मैं सरप्राइज हूं उन्हें देखकर कि केकेआर ने उनको क्यों रिटेन किया है, क्योंकि यहां कुलदीप यादव को चांस नहीं मिलने वाला है प्लेइंग 11 के अंदर। साल 2020 के अंदर भी नहीं दिया था और साल 2021 के अंदर भी उनको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दो धमाकेदार स्पिन बॉलर पहले से ही टीम के अंदर मौजूद हैं, और तीन स्पिन प्लेयर टीम के अंदर खिलाना एक बहुत ज्यादा यहां निराशा की बात हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो खैर आपको कुलदीप यादव भी हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिल जाए। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि कुलदीप यादव कौन सी टीम के अंदर ट्रेड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।